हे गाइस, दिस इज अरबाज खान और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वांडा विजन एपिसोड नंबर 4। सो गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अब वीडियो। सो गाइस, एपिसोड 4 जो है वो स्टार्ट होता है जहाँ मोनिका को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और मोनिका जो है वो थैनोस के स्नैप के बाद जब एवेंजर्स अर्थ को वापस से बचा लेते हैं सो मोनिका भी बच जाती है और मोनिका जो है वो उसी हॉस्पिटल में अपनी माँ को यानी मारिया को ढूंढती है, जहाँ नर्स मोनिका से ये कहती है कि मारिया जो है वो मर चुकी है 3 साल पहले ही और वही नर्स मोनिका के उसके डिसअपीयरेंस के बारे में बताती है। सो अब बात कर लेते हैं हुज़ मोनिका एंड मारिया। तो मोनिका और मारिया को आपने कैप्टन मार्वल में देखा था, यानी कि लास्ट हमने मोनिका और मारिया को कैप्टन मार्वल में देखा। सो अगले सीन में मोनिका जो है वो स्वर्ड के हेडक्वार्टर में जाती है जहां वो काम करती है और वहां उसको एक टास्क दिया जाता है मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने का और टास्क जो है उसकी लोकेशन होती है वेस्ट व्यू। और इसी तरह मोनिका वहां जाती है और वहां मोनिका एक FBI एजेंट से मिलती है और वहीं उसको ये भी पता लगता है कि ये टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मोनिका को ये दो लोग बताते हैं। और मोनिका जो है वो इस ड्रोन को वेस्ट व्यू में भेजती है और इसके बाद मोनिका जो है वो आगे बढ़ती है और खुद से जाकर देखती है। तब मोनिका एक एनर्जी फील्ड को महसूस करती है और जैसे ही मोनिका उस फील्ड पर हाथ लगाती है तो मोनिका भी उसी टाउन में चली जाती है। और इसके बाद डॉक्टर लुइस की एंट्री होती है, जिनको आप लोगों ने लास्ट थोर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। और इस सीरीज़ में डॉक्टर लुइस जो हैं वो स्वर्ड की हेल्प करने आती हैं और वहीं इस बंदे को पाइपलाइन के थ्रू वेस्ट व्यू में भेजा जाता है और डॉक्टर लुइस अपने इक्विपमेंट के थ्रू पता लगाती है एक सिग्नल को ट्रेस कर, जहां डॉक्टर लुइस वांडा विजन के पुराने सिटकॉम को टीवी पर देखती है एक सिग्नल के थ्रू। और लुइस ये भी देखती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जैसे फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो वांडा को रेडियो कनेक्ट कर एक मैसेज देती है, बस सिटकॉम में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर एक सीन दिखाते हैं जो कि वांडा की रियलिटी का होता है, जिसमें वांडा जो है वो जेराल्डिन यानी मोनिका से पूछती है हू आर यू और मोनिका जो है वो वांडा से कहती है कि मैं तुम्हारी नेवर हूँ और वांडा जो है वो मोनिका से कहती है कि तुम अल्ट्रॉन को कैसे जानती हो और इसी तरह वांडा कहती है कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम यहाँ ट्रेसपासिंग कर आई हो। और इसी तरह वांडा जो है वो मोनिका को वहाँ से निकाल फेंकती है और वहीं जो है विजन की एंट्री होती है। और वांडा जब विजन को देखती है तब विजन वांडा को कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। सो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये वांडा की रियलिटी है और वांडा ही इसको कर रही है। और अगले सीन में जब मोनिका को दिखाते हैं तो मोनिका भी यही कहती है कि ये सब वांडा कर रही है। और इसी तरह वहीं एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इतना ही था एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड 5 के लिए हम लोगों को अगले हफ्ते तक का वेट करना होगा और ये सीरीज़ अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा और अगर आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।